हेलो वीडियो देखने वालों, जी हाँ मैं आज अकेला नहीं हूँ। आप जैसे, जी हाँ, जो आप उस कैमरे के उस तरफ जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये सभी कल तक वहीं थे, आज ये मेरे साथ हैं। स्पेशल डिनर है, स्पेशल हम कुछ नया कर रहे हैं। जी हाँ, हम आज शुरू कर रहे हैं हाइप वर्सेस ओवर हाइप। पूरा वीडियो देखते रहना, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो हम हैं इस वक्त दिल्ली के सबसे आइकॉनिक ढाबे पे, राजेंद्र का ढाबा। जी हाँ, और ये सारे पता नहीं क्यों छुप गए हैं कैमरे से, और आंटी रह गई हैं। और आंटी, आप है ना रास्ते में मुझे एक स्टोरी सुना रहे थे राजेंद्र के ढाबे की, वो बताइए हमारे दर्शकों को। तो वो स्टोरी ऐसी है कि शादी के बाद जो पहली मेरी डिनर डेट थी वो यहाँ थी। शादी को कितने साल हो गए? 34 साल। 34 साल, 34 ईयर्स। तो जब मैं यहाँ पर आई थी, ये बिल्डिंग तो छोड़ो, आसपास भी कुछ नहीं था, मिट्टी का मैदान होता था। हाँ। और यहाँ सेंटर में एक खोखा होता था। अच्छा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं तो यहाँ पे खाना नहीं खा सकती, आप कहाँ लेकर आए हो? हाँ। तो उन्होंने बोला तू एक बारी टेस्ट कर। अच्छा। तो इनके पास प्लेट्स भी नहीं थी। अच्छा। मतलब नॉर्मल जो थर्माकोल की भी प्लेट होती होगी वो भी नहीं थी। हाँ। तो पत्ते के दोने के बीच में, जो दोने होते थे ना, उसके बीच में मैंने मच्छी के पकौड़े खाए थे पहली बार इनके। अच्छा, 34 साल। 34 साल पहले। तो अगर मैं 34 साल में आज भी कंपेयर करूँ तो कुछ चीजें ओवर हाइप्ड बिल्कुल भी नहीं है, वो आज भी वैसे की वैसे ही है जो मैं खाती हुई आ रही हूँ। मेरे को 34 साल हो गए, मेरे हस्बैंड को 45 ईयर्स हो गए, बट आई थिंक समथिंग्स सेम। तो देखिए कितने पुराने कस्टमर हम अपने साथ लेके आए हैं। हाइप वर्सेस ओवर हाइप का मतलब यही है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं ये अच्छी जगह है, कुछ कहते हैं ये बेकार जगह है। चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी, ये इकोनॉमिकल भी है। अगर आप आए तो पेट भर के कम पैसे में अच्छा खाना खाकर जा सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ का जो एक सिनेरियो होता है ना, आप नीचे बैठ के फैमिली फ्रेंड्स, वो जो एक टुगेदरनेस आती है, वो घर जैसे फील देती है कि आप बिंदास बैठ गए, आपने ये नहीं देखा हाइजीन है या कुछ नहीं है। ये चीज मैंने दिल्ली में कहीं नहीं देखी। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना, आई वाज शॉक्ड कि लोग अपने घर से चादर लेके आए हैं, जमीन पे चादर बिछाई और खा रहे हैं। चलिए आपको टूर देते हैं। अगर आप अपने स्टेप्स गिनते हैं ना, तो ये जगह ऐसी है कि हाँ आप अपने स्टेप्स भी काउंट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इनका कैश काउंटर है, यहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस करिए। उसके बाद अलग अलग इनके काउंटर्स हैं, 1 से लेके 6 तक। 6 नंबर वाला स्विगी जोमेटो वालों का है, 1 से लेके 5 काउंटर तक। हर काउंटर पर अलग अलग चीज़ मिलती है, यहाँ से आप बिल करवाइए और अपने काउंटर पर जाके अपना फूड ले लीजिए। ये काउंटर नंबर 1 है। भैया ये तवे पे क्या सजा रहे हो यार? कैमरा को लाओ, देखो कितनी सही चीज लग रही है। क्या है ये चीज? पेरी पेरी चिकन। पेरी पेरी चिकन। और ये जो सीख में सजा हुआ है? फिश साटे। फिश साटे। अच्छा, तो फिश साटे है। तो ये देखिए, पेरी पेरी चिकन, फिश साटे, मतलब ये थोड़ा सा वो आ गया, हेल्दी वाला फूड इस काउंटर पे आ गया। तो ये सीढ़ियाँ हैं इनका, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, फैमिली रेस्टोरेंट, आप वहाँ भी बैठ के खा सकते हैं, लेकिन वहाँ प्राइसिंग अलग रहती है। तो लीजिए, ये इनका स्नैक्स का काउंटर है, यहाँ पे फ्राइड स्नैक्स भी हैं, सोया चाप भी मुझे दिख रही है, वेज स्नैक्स भी दिख रहे हैं, और तंदूरी स्नैक्स भी दिख रहे हैं। तो हम हैं इस वक्त काउंटर नंबर 3 पे, और 3 पे देखिए यहाँ का जो एक फेमस स्नैक्स है, गलौटी कबाब। जी हाँ, गलौटी कबाब यहाँ पे तैयार होते हुए, ये देखिए। और बराबर में ये सीखे सजी हुई, ये पेरी पेरी है, क्या है ये? चिकन साटे। अरे वाह, ये देखिए तवे पे देखिए कितनी लाजवाब लग रही है। तो हम इस वक्त इनके काउंटर नंबर 4 पे हैं, जहाँ पे तवा आइटमें बनती हैं, और ये देखिए डब्बे सजे हुए पैक होते हुए, और वो देखिए पीछे देखिए कितना बड़ा तवा। अरे वाह, तवे का नज़ाकत देखिए, कितना बड़ा तवा, और यहाँ पे ये तवा आइटमें बनती हुई, और तवा मटन की तैयारी में। और लीजिए ये देखिए, ओ वाह जी वाह, तवे पे तैयार होते हुए। और ये है काउंटर नंबर 5। जी हाँ, सबसे आइकॉनिक काउंटर ही यही है, यहाँ पे चिकन मटन ग्रेवी वाला मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं, देखिए ऊपर तख्तियाँ टंगी हुई है, और ये देखिए बड़े बड़े एकदम पैक होते हुए, और ये देखिए प्लेट सजी हुई। वाह, और ये जाएगी अब बढ़िया से पीस डाल के, ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, अल्लाह जी वाह, रोगन डाल दिया और ये तैयार है। तो यहाँ का आपको माहौल दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे पीछे सारे फूडीज इस वक्त फूड एंजॉय करते हुए, आप देखिए जहाँ आपकी नज़र पड़ रही है आपको फूडीज ही फूडीज मिल रहे हैं। तो हम तो अपने व्यूवर्स लेके आए हैं यहाँ, लेकिन ये भाई साहब मिल गए हैं। आपको कितने साल बाद खा रहे हो, या कितने साल से खा रहे हो? भैया 18 साल शादी को हो गए। हाँ, शादी से पहले खाया, 15-18 साल बाद खा रहा हूँ, आज भी वही टेस्ट है। उस 18 साल बाद आज खा रहे हो? आज खा रहा हूँ। अरे वाह, इतने साल कहाँ गए, क्यों नहीं आए? मैं यहाँ था नहीं। अच्छा, मैं आउट ऑफ स्टेशन रहा लगभग। अच्छा,
आज ऐसे मौका लग गया हाँ। वहाँ चलते हैं मगर अच्छा आज ये देखा तो ये तो बहुत सिस्टम बहुत चेंज हो गया। जब आप पहले आते तब कैसा था? तब कुछ भी नहीं था, जब तो शुरुआत थी इनकी। शुरुआत थी अच्छा। हाँ तो बहुत बड़ा गाँव। उस वक्त याद है कितने का खाया था? 200-250 रुपए का जब भी होता उस टाइम पे। कमी नहीं है, आज भी वही सिस्टम है इनका, बहुत जेन्युइन काम है। थैंक यू सो मच। साले मेरे आते रहते हैं तो वो इन्हों आज चले मगर यार बहुत टाइम होगा नहीं, आज आई गई वहाँ तो बहुत बढ़िया काम। थैंक यू सो मच हमारे बात। तो हमारे साथ काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे खाया हुआ है, कोई ऐसा भी है जिसने यहाँ पे आज तक नहीं खाया? अरे वाह, हाथ खड़े हो गया। पहली बार आए हो? नाम सुना है यहाँ का? नाम बहुत सुना है, बहुत हाइप है। और रहने वाले आप दिल्ली के हो और नॉन वेजिटेरियन हो? भाई आपको पाप लगेगा अगर आपने यहाँ नहीं खाया। आपने भी नहीं खाया? और यहीं के हो? यहीं के हो, दिल्ली के हो, नॉन वेजिटेरियन हो? बिल्कुल। भाई इसको भी पाप लगा है देखो, लेकिन आप मेरा इनाम लेना बनता है। मैं आपको इतनी बढ़िया जगह पे, दिल्ली के सबसे फेमस वाली जगह पे ले गया हूँ मैं। और आपसे मैं स्पेशल पूछूंगा एंड में, आप दोनों से, कि यहाँ आप दोबारा आना पसंद करोगे या नहीं? हाँ जी, क्या सोचते हैं आप गलोटी के बारे में? पहला थॉट क्या आता आपके पास? पहले तो खाते ही मुंह में घुल जाए, बड़ा कॉमन थॉट है आपके लिए। रिचनेस होनी चाहिए गलोटी में, नॉर्मल है आपके लिए? एकदम मखमली होना चाहिए, मतलब टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया होना चाहिए। गुड पॉइंट। मसाले अच्छे हों। गुड पॉइंट। आपके लिए ठीक ठाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक ठाक होना चाहिए, घुल जाना चाहिए खाके। ओके, आपके लिए? भूख आसान की वीडियो पे आया तो ऐसा होना चाहिए कि देखते ही भूख लग जाए। भूख लग गई। आप बताओ, खाने के लिए सबसे पहले तीन पैरामीटर्स होते हैं। खाना कोई भी हो, पहले आंखों को भाता है, फिर नाक को भाता है, फिर जबान को भाता है। गलोटी में ये कहानियाँ बहुत सुनी है कि मुंह में जाए। मीट का कोई भी जो कबाब होता है उसमें मीट का फ्लेवर जरूर होना चाहिए। सही बात है। अगर आप मटन खा रहे हो तो पता होना चाहिए ये मटन का ही गलोटी है। उसमें मिक्सिंग जहाँ भी होगी ना वो आपको पकड़ में आनी चाहिए कि ये मिक्सिंग है, ठीक है। बाकी आते हैं उसके फ्लेवर्स। अब वो जमाने चले गए कि इसमें 56 मसाले हैं, कोई नहीं हो सकता। वो मसाले ही नहीं किसी को पता होंगे, वो रेसिपी नहीं पता होगी। तो जो एक सौंधापन मीट का है, पहले आपकी ज़बान पे वो आए, उसके बाद मसाले अटैक करें, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गलोटी कबाब। देखा कितना तगड़ा एक्सपर्ट बंदा हम ढूंढ के लाए हैं। देखिए इतनी नॉलेज हमें भी नहीं है और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, इन सबको भी सीखने को मिल रहा है। तो देखिए गलौटी के बराबर में हमारा चिकन करी भी आ गई है, लेकिन पहले हम गलौटी सबको बोलेंगे, टेस्ट करते हैं, ठीक है। आंटी पहले टेस्ट करवाते हैं। आंटी तो 34 साल से खा रही है। आप क्या सोचते हैं किसी भी कबाब को कैसे खाना चाहिए, जिसके भी दिमाग में जो आ रहा है बताओ। तो जनता सीखो सबसे पहले, कभी भी नहीं। जब भी कोई कबाब खाओ चटनी कभी नहीं लगानी चाहिए, उसका असली टेस्ट इसके अंदर। अच्छा ठीक है, पहले टेस्ट कर। ये तो आपको जबरदस्ती खाओगे कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा, ये असली है। मेरे वीडियोस देखते हैं, देखो आंटी पीछे सबको डांट लगा रही है, सिखा रही है कि कैसे कबाब खाने चाहिए। अगर आप जब भी कोई कबाब खाओ तो आपको पता होगा कि मैं जब भी कबाब खाता हूँ तो चटनी नहीं लगाता, तो इस चीज में तो मैं पास हो गया हूँ। चलो सबसे पहले आंटी खाएंगी। खुशबू पास हो गया। आप है ना, अपना रिव्यू मत देना वरना ये सारे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। आप अपना नहीं देंगे, आप अपना छुपा के सबसे एंड में आपसे। चलो भाई आ जाओ सारे अपने अपने लो भाई। तो ये हमारे भाई साहब बहुत साल पहले हमारे चैनल पे आए थे, इन्होंने 50 से ज्यादा गोलगप्पे खाए थे, ये वही है। और इनकी सेहत देख के लगता नहीं है 50 गोलगप्पे खा सकते हैं। आज आप गलौटी कितने खाने वाले हैं? अभी टेस्ट के लिए तो एक ही। एक ही। तो हमारे में सबसे टॉल बॉडी बिल्डिंग वाले, आपने यहाँ गलौटी पहले खाया या पहली बार खा लिया? सर पहले मैंने खाया हुआ है, कम से कम 4-5 साल पहले खाया। 4-5 साल पहले। अब कैसा लगा? अब भी वही टेस्ट है। अच्छा, बिल्कुल सेम टू सेम वही टेस्ट है। सेम टू सेम है जी। मतलब आप दोबारा यहाँ आना खाना पसंद करो? सर मैं बहुत बार यहाँ हूँ, आता रहूँगा यहाँ पर। देखिए जी, हमारा चिकन करी भी आ गई है, मटन करी भी आ गई है, अभी हमारी गलौटी का रिव्यू चल रहा है। सारे खा लें एक एक बार। पीछे आ जाओ, हम पीछे चलते हैं। जो ये लोग पहली बार आए हैं रजिंद्र के ढाबा पे, दोबारा बताना कैसा की टेस्ट है? एकदम मखानी टेस्ट आया था, ऑथेंटिक बिल्कुल। पहली बार खा रहा हूँ, पहली बार में मजा आया। मजा आप भाई बहुत सही है, बहुत सही है। मुंह में रखते गोलगप्पा किंग ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई कर रहे हो।
कैसा है पहले बोलना है? बढ़िया है, बढ़िया है, कल दोबारा खाना पसंद करोगे? हाँ कर सकते। और हमारे एक भाई साहब पहली बार आए हैं, आप बताओ। सर मेरे थोड़े मिक्स रिव्यूज हैं कि मैंने यहाँ पे चिकन करी तो बहुत खाई है, हाँ। रोटी का पहली बार खा रहा हूँ, हाँ। और टेस्ट बिल्कुल ही हलवे जैसा हलवा होता है ना, हाँ। वैसा टेस्ट है, इसको बहुत ही मतलब कूट रखा अच्छे से, अच्छा। बहुत अच्छे से इसको फ्लेवर में कैसा है, स्वाद है या स्वाद तो माइल्ड है? स्वाद तो है, स्वाद है। मैं फैमिली के साथ बैठ के देखता हूँ, काफी काफी रॉ रिव्यू होते हैं तो मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। बाकी सबके देखे हैं पर वो ना रॉ नहीं लगता मुझे, ये खा रहे हो वैसे ही बता रहे हैं। अभी सिर्फ गलौटी कबाब गया तो मेरी तारीफें शुरू हुई हैं, अभी चिकन जाएगा मटन जाएगा तो कितनी तारीफें होने वाली है। तो लीजिए अब इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे क्लोज में, देखिए चिकन करी यहाँ पे सर्व की गई है, ये देखिए मटन करी सर्व की गई है, और ये हमारी आंटी जी इस वक्त चिकन पे अटैक किया है इन्होंने। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, देखो ये चिकन और मटन है, अगर ग्रेवी देखूं तो मुझे सेम लग रही है, ये सेम है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ रंग टेक्सचर मैच कर रहा है। एक देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मटन का फ्लेवर जरूर आएगा ग्रेवी के बीच, हाँ, वो तो आएगा, अगर आप मिक्स कर दोगे ना साफ पता चल जाएगा। देखो एक तो कलर भी डिफरेंट है और इनका है ये, अच्छा कई लोग मैंने यहाँ पर देखे है कि वो चिकन की जब ये ग्रेवी बाउल खत्म हो जाता है ना तो वो जाते हैं और मटन की ग्रेवी लेकर आ जाते हैं। चलो जी आजो जी आजो, आगे 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 आगे। अब हम कोई रह गया जिससे अभी तक हमने रिव्यू ना लिया हो? ये मेरा भाई पहले आया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम वालों पे आओ। तो ये हमारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, क्या खाया अभी तक, चिकन खाया मटन खाया? मटन खाया, एक नंबर है, एक नंबर। मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा। मटन नहीं खाया, बार बार आने का मन करेगा अब तो। यार मैंने सोचा था कि हाइप वर्सेस ओवर हाइप बनाऊंगा, कोई तो कोई निकलेगा जिसको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ तो भाई गलौटी की भी तारीफें हो रही हैं, चिकन की भी हो रही है, मटन की भी हो रही है। तो हम ढूंढते हैं शायद किसी को ना पसंद आया हो। ये हमारे भाई साहब गोलगप्पा किंग, इनका नाम मैंने गोलगप्पा किंग इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने हमारा चैलेंज जीता था और हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा वीडियो पे जिसपे व्यू है ये उस वीडियो के हिस्सा हैं। सर आपने चिकन खाया मटन खाया, आपको थोड़ा अपना रिव्यू दीजिए, क्या पसंद आया क्या नहीं आया? चिकन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मटन के अंदर सिर्फ एक हल्की सी कमी है, हाँ। थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता था, तोड़ने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है, जितनी गलौटी में मतलब मेहनत कम लग रही है गलौटी के साथ तो हम कंपेयर करनी, लेकिन समझ गया मैं आपका कि जैसे वो आराम से छूटे ना हड्डी के साथ वो नहीं छूट रहा। और ये देखिए मैं आपको मटन दिखाता हूँ, ये देखिए ग्रेवी देखिए, ये पीस देखिए बिल्कुल लाजवाब, वाह 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 वाह। तो हमें ऐसा बंदा मिल गया है जिसको थोड़ी कमियां महसूस हुई हैं। देखिए ये सीरीज़ का मतलब ही यही है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग, अलग अलग टेस्ट बड के लोग, अलग अलग प्रेफरेंस होती है। आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा? सर मैनू अच्छा तो मेरे को यही लगा, गलौटी का बहुत बढ़िया लगा, हाँ। पर अच्छा है, हाँ। मतलब टेक्सचर भी अच्छा है चिकन, हाँ। का भी उसका मटन का भी, पर थोड़ा सा मसाला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मसाले आपको तेज लगे, मतलब ढाबा स्टाइल है थोड़े तेज मसाले वाले, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो तेज मसाले नहीं खाते हल्के मसाले खाते हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, मसाला भी है और जो रोगन आ रहा है ना वो थोड़ा सा थोड़ा लग रहा है गले में, गले में लग रहा है। ऐ देखो जी साढ़े पाजी सब तो लंबे सब तो बॉडी वाले, ऐ देखो जी इन्होंने रुमाली मंगवा ली है, ये लगा जी गलावटी, इसमें थोड़ी सी चटनी जरूर लगाना हल्की सी, लो जी इन्होंने अपना रोल तैयार कर लिया, कितने का रोल है जी? ये तुहाडे वास्ते फ्री है जी। ओ वाह जी वाह। तो ये थी आज की हमारी पहली कोशिश, आप जैसे व्यूवर जो कैमरे के उस तरफ होते हैं आज हमारे साथ यहाँ खा रहे हैं, सबसे पहले पास या फेल? पास 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 या फेल? पास पास या फेल? पास पास या फेल? सुपर हिट सुपर हिट। पास 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 पाजी पास पास। तो देखो सब ने कर दिया है इसको पास। और आंटी एक लास्ट रिव्यू, अगर कोई चीज में कमी दिखी हो तो वो क्या थी? गलौटी कबाब, गलौटी कबाब आपको पसंद नहीं आया? तो मैं ये कह दूं यहाँ 8 लोग हैं, 7 लोगों को गलौटी पसंद आया, एक को नहीं आया,
तो अगर आप देखा जाए तो लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है जिनका टेस्ट बड इनके साथ मैच करता है। हमारा ऐसा वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि इतने सारे रिव्यूवर्स होंगे, इतने सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, हर बंदे का अलग अलग टेस्ट बड है। होप आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर इसी बात पर आप इनमें से किसी को भी जानते हो तो उनके यार दोस्त को ये वीडियो फटाफट व्हाट्सएप कर दो कि देखो भाई वो भूखा सांड पे फूड रिव्यू कर रहे हैं। और अगर आप भी आना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर कहना कि आप इंटरेस्टेड हैं अगला डिनर या लंच मेरे साथ करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।